हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल अविष्कार शुक्ला व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अविष्कार शुक्ला। गाइस अभी सुबह सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ कितना अच्छा माहौल हो रहा है यहां पे। चलते हैं, आपको अपने भाई से मिलाते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस ये हैं आदित्य मिश्रा। और गाइस आज हमारे कल यहाँ पे हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा है, तो आज हमारे यहाँ पे रामायण बैठी है। तो चलते हैं आपको घर की तरफ चलेंगे। गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी घर की तरफ। तो घर पहुँचने से बाद में आपसे फिर मिलते हैं। पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे रामायण हो रही है। अभी हमारी आवाज़ आप लोग को साफ सुनाई नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए माइक लगा हुआ है। तो अभी हम लोग चलेंगे तो गाइस अभी रात के 7:30 बज चुके हैं, और अभी हमको रामायण पढ़ना, आप देख सकते हैं 7:30 हो गया, तो अभी हमको रामायण पढ़ना, तो चलिए रामायण पढ़ने चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रामायण हो रही है, और अभी खाने का टाइम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ सब लोग अभी खाना खा रहे हैं, ईशु भाई और अनुभव और हर्षित भाई लोग। रात के 12:07 हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं आग जल रही है, सब लोग आग के सामने अपने हाथ सेक रहे हैं, और आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ रामायण हो रही है। तो अभी आपको वहाँ लेके चलेंगे, और आपको वहाँ की कितनी बढ़िया म्यूजिक बज रही है वो पूरी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और अभी रामायण कहने के लिए हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं बचा है। तो चलिए रामायण कर चलते हैं। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, और अभी हम जोग के उठे हैं, तो कल से हमारे यहाँ रामायण बैठी है, और आज गोवर्धन पूजा है, तो इसलिए हमको आज गोवर्धन पूजा की तैयारी करना है। तो अभी रामायण चल रही है, तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी होके आएंगे, थोड़ी सी रामायण बची है उसको भी खत्म करेंगे, फिर चलेंगे गोवर्धन पूजा में। वीडियो में एंड बने रहे, तो चलिए चलते हैं। रेडी होके आ चुके हैं, और अभी रामायण चल रही है, तो अभी रामायण में उत्तरकांड बाकी है, तो चलिए पहले उसको पढ़ के कम्प्लीट करते हैं, चलेंगे टीका रामन। उसके बाद टीका रामन चलेंगे गोवर्धन। अभी रामायण खत्म हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ डीजे भी आ चुका है, ये देखिए डीजे खड़ा है, और वहाँ गोवर्धन पूजा के लिए तैयारी हो रही। तो अभी आपको अपनी गाड़ी पास ले चलेंगे, ट्रैक्टर और बाइक सब सज रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन पूजा शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं देखिए यहाँ पे।
क्योंकि अभी इसको यहाँ से उठा के वहाँ गोमती नदी में विसर्जन करने के लिए यहाँ से चलेंगे, तो चलिए चलते हैं और आप देख सकते हैं गोवर्धन। गोवर्धन पूजा पूरी हो चुकी है और अभी हम गोवर्धन भगवान को विसर्जन करने के लिए ले चलेंगे, तो वहाँ पे सॉन्ग बज रहा था इसलिए हम वहाँ पे ज्यादा बात कर नहीं पाए, तो अभी चलेंगे आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में तक बने रहना प्लीज। तो चलिए चलते हैं। शिव शंकरा नमः शिवा शिव शिव शंकरा। गाइस यहां से 500 मीटर की दूरी बची थी रामायण की। टीकाराम अवध हम पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को गोवर्धन भगवान को विसर्जन करना है, तो अब यहाँ से हम लोग नाचते और गाते हुए जाएंगे, तो वीडियो में तक बने रहे, वीडियो को चलिए चलते। विसर्जन का प्रोग्राम था वो संपन्न हो चुका है और अब हम लोग रास्ते में चले चलते घर की तरफ। तो अपने घर पे आ चुके हैं और अभी शाम को हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण का भी कार्यक्रम है, तो चलिए आपको शाम को देख सकते हैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ी निकल रही है और अभी आपको बाहर ले चलेंगे जहाँ भंडारा चल रहा है। चलिए चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पे भगवान का प्रसाद सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से पा रहे हैं, 2.5-3 घंटे से यहाँ भंडारा चल रहा है। गाइस आपको हमारे यहाँ का कार्यक्रम कैसा लगा, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।